दोस्तों एक नई एसयूवी कार इंडियन मार्केट में एंट्री होने जा रही है और ये एसयूवी कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हुंडई एक्स्टर और टाटा पंच को कड़ी टक्कर देने वाली है। हालांकि आपको टैग और टाइटल से पता चल गया होगा थंबनेल से कि ये कौन सी गाड़ी होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और सही समझा है कि महिंद्रा की तरफ से एक नई माइक्रो एसयूवी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसको कि एक्सयूवी 300 से थोड़ा सा नीचे सेगमेंट में लाया जाएगा और ये मार्केट के अंदर तहलका मचाने वाली है। दरअसल बात यह है कि एसयूवी सेगमेंट के अंदर लोगों का मनचाहा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए एसयूवी सेगमेंट में दिन प्रतिदिन हमें बदलाव देखने को मिल रहा है और एक से एक गाड़ी हमें देखने को मिल रही है। इसी वजह से महिंद्रा मोटर्स कॉम्पिटिशन के हिसाब से अपनी एक नई एसयूवी कार को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग में है। वीडियो में आगे जाने से पहले वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। दोस्तों क्या हाल चाल है आपके और आप इस ऑटोविल चैनल को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको थैंक्स कह सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सरिता जी को मध्य प्रदेश से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस छोटी मिनी कार के अंदर आपको एक सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा और फीचर्स से भरपूर होगी। अभी इस एसयूवी कार को इंडियन मार्केट के अंदर एक्सयूवी 200 के नाम से जाना जा रहा है और ये एसयूवी वर्तमान में बेची जा रही एक्सयूवी 300 एसयूवी पर बेस्ड होगी। हालांकि डायमेंशंस में थोड़ा छोटा रखा जाएगा लेकिन इस गाड़ी को फीचर्स से भरपूर और एक नया डिजाइन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जब ये रोड पर चलेगी तो ये माइक्रो एसयूवी आपको एक दबंग और स्टाइलिश लुक के साथ नजर आने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि इससे छोटी एसयूवी कार के अंदर पूरे 2 इंजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उससे भी ज्यादा खुशखबरी वाली बात ये है कि इस छोटी एसयूवी कार के अंदर सनरूफ के साथ साथ सीएनजी किट का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और उससे भी ज्यादा खुशखबरी वाली बात ये है कि सीएनजी किट होने के बावजूद भी आपको इस गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और खास कर ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनाया गया है जो महिंद्रा एक्सयूवी 700 एसयूवी कार को पसंद करते आ रहे हैं या आगे करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया हो सकता है क्योंकि इसका भी जो डोर लॉक्स होने वाला है ना, जो डोर का डिजाइन होगा ना, वो एक्सयूवी 700 एसयूवी की तरह होगा और काफी सारे एलिमेंट्स आपको एक्सयूवी 700 एसयूवी कार का ही इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, तो काफी ब्यूटीफुल बात है। तो चलिए इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाला है पूरे डिटेल में खुलासा करते हैं। डिटेल में आपको बताएंगे इस गाड़ी के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। तो चलिए इस एसयूवी के बहुत सारे तारीफें कर लिए हमने लेकिन फीचर्स और इंजन में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है सारा डिटेल में खुलासा करते हैं ताकि ये एसयूवी जैसी लॉन्च हो सके आप इस कार का लुक और डिजाइन देकर बुक करवा सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर एक्सयूवी 200 एसयूवी कार के नाम से लॉन्च किया जाने वाला है, जिसका सीधा टक्कर इंडियन मार्केट के अंदर टाटा पंच हुंडई की एक्स्टर जैसे बेहतरीन कारों से किया जाएगा और इस एसयूवी कार को बिल्कुल नया रंग रूप के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। कंपनी इस कार को बिल्कुल नया और ब्यूटीफुल आकार दिया है जो देखने में काफी प्रीमियम और बोल्ड लगने वाली है, जिससे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। महिंद्रा मोटर्स का दावा है कि इस एसयूवी कार की माइलेज और परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा धमाल मचाने वाली है और जो लोग एक्सयूवी 700 एसयूवी कार को ऑफ रोड नहीं कर पा रहे ठीक उसी बॉडी लैंग्वेज में इस एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि उसके जैसे फीचर्स होने वाले नहीं है लेकिन उसके जैसे आपको डोर लॉक्स देखने को मिल जाएंगे और उसके कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको एक्सयूवी 200 एसयूवी माइक्रो एसयूवी कार के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है और इस एसयूवी कार की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। खैर ये सारी बातें तो आने वाला टाइम बताएगा क्योंकि जब इस एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जब आप इसके पहले रंग रूप को देखोगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस को लेकर, तो इस गाड़ी को थोड़ा एक्सयूवी 300 से थोड़ा सा छोटा रखा जाएगा लेकिन इस एसयूवी कार के अंदर आपको अच्छे खासे स्पेस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी तक डायमेंशंस को खुलासा नहीं हुआ है लेकिन महिंद्रा मोटर्स ने ये जरूर खुलासा कर दिया है कि आने वाले टाइम में यानी नए साल के साथ अपनी एक नई एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, लेकिन इसका लुक्स और डिजाइन जब देखा जाएगा तो इसका बॉडी लुक आपको थोड़ा बहुत एक्सयूवी 700 से एक्सपायर्ड नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों इसका लुक जो है एक्सयूवी 700 की तरह रखा जाएगा और इसके रंग रूप भी आपको एक्सयूवी 700 एसयूवी की तरह आपको नजर आने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी छोटी एसयूवी कार के अंदर भी आपको शार्फिन एंटीना जैसे बेहतरीन फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि महिंद्रा मोटर्स इस कार को पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन की ऑप्शन में भी लॉन्च करेगी और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि महिंद्रा कंपनी इस एसयूवी का लुक्स और डिजाइन ज्यादातर एक्सयूवी 700 एसयूवी के ऊपर रखा है। सामने से ही महिंद्रा की न्यू लोगो के साथ एक रफ एंड टफ फ्रंट ग्रिल नजर आएगा
जो कार को एक खूबिया माइक्रो एसयूवी का डिजाइन देता है। साथ में न्यूली डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नया डीआरएल भी नजर आएगा, जो कि कार में चार चांद लगाने का काम कर रहा है। ओवरऑल दिखने में ये एसयूवी काफी शानदार और परफेक्ट होगी। वहीं नीचे की तरफ आपको नया बम्पर के साथ फॉग लैम्प की नई हाउसिंग भी नजर आएगी। इस कार के साइड प्रोफाइल को भी काफी ज्यादा नया टच दिया जाएगा। डोर्स पर साइड मॉडलर्स और मडगार्ड दिए गए हैं। साथ में आपको रूफ ट्रेल नॉर्मल एंटीना, रियर प्रोफाइल पे आपको स्पॉयलर्स पे ब्रेक लाइट, नई टेल लाइट, रियर टू पार्किंग सेंसर और टायर के साथ आपको बिल्कुल नए डिजाइन की एलॉय व्हील्स की ऑप्शन जैसे बेहतरीन फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यही थोड़ा ध्यान दे इस एसयूवी के इंटीरियर और फीचर्स की तरफ, तो कार के केबिन को काफी फ्रेश डिजाइन और प्रीमियम रखा गया है और पूरा इंटीरियर ब्लैक थीम बेस्ड होगी, जिसमें आपको नया डैशबोर्ड के साथ एक 7 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले नजर आएगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स को सपोर्ट करेगी। साथ में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कोल्ड स्टोरेज ग्लव बॉक्स, रियर सीट विद पावर सॉकेट ऑप्शन, लार्ज बूट स्पेस, 4 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और नया जनरेशन को देखते हुए इस कार में आपको ऑल पावर विंडो जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि इस कार में आपको कीलेस एंट्री की ऑप्शन भी ऑफर किया जाएगा। तो महिंद्रा कंपनी सोने पे सुहागा करके अपनी कार को लॉन्च करेगी, तो जैसे बेहतरीन फीचर्स इस कार के इंटीरियर फीचर्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ बात आती है इस कार के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इंजन और पावर की। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का नेचुरल स्पिटेड पेट्रोल इंजन नजर आएगा, जो कि 85 BHP के करीब पावर और 117 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन आपको 5-speed मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में नजर आएगी। और वहीं माइलेज में ये कार कंपनी का दावा है कि आई भारत में लॉन्च हुई टाटा पंच से ज्यादा बेहतरीन होगा, तो डेफिनेटली ये कार अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा बेस्ट होगी। और वहीं ये अपकमिंग माइक्रो एसयूवी देश की टॉप सेलिंग की लिस्ट में प्रोवाइड की गई है। वहीं अब बात कर लेते हैं इस कार के लाइफ इज इम्पोर्टेंट फीचर्स यानी कि सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो ये कार सेफ्टी में भी काफी ज्यादा पावरफुल बनाई गई है। सबसे पहले इस कार के सेफ्टी में आपको पूरे बॉडी में हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, डुअल फ्रंट एयरबैग विद साइड कर्टन एयरबैग, इसके टॉप मॉडल में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ में आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट डिवाइडर विद पेटेशनर, फॉलो मी होम फॉग लैंप जैसे बेहतरीन फीचर्स इस कार में लैस होंगे। और महिंद्रा कंपनी इस कार के लिए सेफ्टी में 5-star कार रेटिंग के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। दोस्तों अब अगर फाइनली बात करें इस कार के लॉन्च और प्राइस की, तो इस कार को नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 के सेकेंड क्वार्टर तक लॉन्च कर सकती है। और इस कार को इंडियन मार्केट के अंदर महिंद्रा कंपनी एक्स शोरूम इन दिल्ली प्राइस में 5.30 लाख से स्टार्टिंग होकर 8 लाख तक को जाएगी। तो दोस्तों आपको ये अपकमिंग महिंद्रा की एसयूवी 200 माइक्रो एसयूवी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो क्या आप इस कार को खरीदना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और अपकमिंग कारों की वीडियो लाता रहूं। और दोस्तों आपको नेक्स्ट कौन सी कार की रिव्यू चाहिए या आपको टॉप 5 कौन सी कार की रिव्यू चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।